सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। सो गाइस, हम आ चुके हैं चोर बाजार और चोर बाजार के साथ वाली पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और अभी चोर बाजार की तरफ निकल रहे हैं। आज मैं तुम्हें सारी चीजें दिखाऊंगा जो भी यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखते हो तुम कि भाई आईफोन मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, ये भी मुझे खींच के लाया, कह रहा आईफोन मिलता भैया, आईफोन मिलता है। तो दिखाऊंगा भाई क्या क्या मिलता है, कैमरा वगैरह मिलता भी है या नहीं मिलता, वीडियो सारी झूठ है या नहीं है। तो गाइस चलो चलते हैं। इतना दे रहा है इस मार्केट में। सो गाइज, मैं घर से 3:10 के आसपास निकला था और मार्केट में 4:10 या 4:20 के आसपास पहुंचा था। मार्केट से जस्ट एंट्री पे ही मैंने लोगों से पूछा, भाई मार्केट कहाँ है, चोर बाजार कहाँ है। तो लोगों ने बोला भाई यही चोर बाजार है। जब मैंने ध्यान से देखा ना, लोगों की आवाज आ रही थी चिल्लाने की ये ले लो वो ले लो। जैसे ही मार्केट में गया ना, सब अंधेरा था और पूरी की पूरी मार्केट लगी हुई थी बिना लाइट के। उधर ना वीडियो बनाने का मतलब है झगड़ा करना लोगों से। तो गाइज मैंने पता है वीडियो कैसे बनाई, मेरे फोन में एक ऐप है जो कि बैकग्राउंड में वीडियो रिकॉर्ड करता है। फ्लैश जलाऊंगा मैं, वीडियो बनती रहेगी, लोगों को लगेगा कि मैं फ्लैश जला रहा हूँ। तो मैंने वीडियो इस तरीके से बनाई, अभी तुम वीडियो देखो पहले थोड़ी। भाई कितने का है ओरियन ये? साढ़े चार सौ। बैट तार ये का मिल रहा है प्रेस से। सौ रुपए के दो। तो भाई ये सारे प्रोडक्ट्स फेक होते हैं, ले भी मत लेना, स्किन वगैरह खराब हो जाएगी। और ये देख लो भाई, ड्राई क्लीन करवाए हुए जूते, पहने हुए जूते। ये कितने किलो का है? 7.5 का, 5 का है। और ये कितने का आंटी? ये पड़ेगा 300। गाइस कुछ सस्ता नहीं है, 250 का तो दुकान पे भी मिल जाता है और नेगोशिएट करके ये भी 250 का दे ही देंगे। तो कोई स्पेशल जाने का कोई फायदा नहीं है। तो एक दिन कैच और टूट जाए यार, ट्राई करके भाई। पांच के हिसाब से तो बहुत बड़े हैं ये। गाइज इस चोर बाजार के बाहर भी अगर 10 कदम चल के जूते देखोगे ना, तो सेम टाइप के जूते 300-350 में बिक रहे हैं। इसी मार्केट के अंदर पता नहीं 1200 से बोलना स्टार्ट कर रहे हैं और 500-500 पे आके ये सेल कर रहे हैं। हम चोर बाजार समझ के यहाँ पे जाते हैं अपने फायदे के लिए और उल्टा चोर बाजारी हमारे साथ ही होने लग रही है। स्टील का कितने का दोगे? 5 किलो का। 100 रुपए के जी है। और ये ग्लव्स 250 के। रेट देख रहे हो भाई इनका, 250 रुपए एक जिम वाले ग्लव्स के, 200 का तो एक स्पोर्ट्स की शॉप पे भी मिल जाएगा। माल नहीं मिलेगा, माल आइए आइए। 100 रुपए का भी है, 200 रुपए का। बढ़िया से बढ़िया लो भाई, कंपनी का माल है भाई। ओ भैया आ लो भैया, ओए ओए लौंडे ओए, माल इधर है, ध्यान किधर भाई साहब, माल इधर है, ध्यान किधर भाई साहब। अब गाइस तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो चोर बाजार का एरिया है ना, ज्यादातर तुम्हें सिर्फ कपड़े कबाड़ी का सामान जो कि लोग ऐसे 5-10 रुपए का कबाड़ी वाले से या फिर फ्री में उठा के ले आते हैं और तुम्हारे सामने सजा देंगे और उनके प्राइस ऐसे बताएंगे 400-500 या फिर 1000-1500 रुपए। ज्यादातर पार्ट में तुम्हें सिर्फ यही चीजें मिलेगी। डम्बल पूछे मैंने 1100 के आसपास के स्टील के बता रहा है, कह रहे कि 100-200 कम कर लेंगे, पर इतना ही प्राइस दे रहे हैं जितना तुम्हें अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएगा। और जूते जो है ना 99% यूज करे हुए जूते होते हैं, उसी को ड्राई क्लीन करवा के तुम्हें बेचने लग जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलता कौन सी चीज पुरानी है कौन सी चीज नहीं है। अंडरवियर से लेके हर एक चीज यूज्ड मिल रही थी। वीडियो कंटिन्यू करो गाइस आप। क्या रेट है भाई इनके? 4500 रुपए चला के देंगे। नहीं भाई, 5-600 तक। 5-600 में स्मार्ट वॉच सुन आती है भाई, आ जाएगी। कितने की? वो कितनी है? 900 रुपए लगा दूंगा, बोनी करनी है देखने फाइनल। 1300 रुपए की भाई, बोल दे दूं। क्या कह रहे हो तुम भाई? 600 में कहाँ से आ जाएगी भाई स्मार्ट वॉच? नहीं आएगी भाई। 1000 भैया ने बोला, 800 लगेंगे फाइनल देख लो, बोनी करनी है। 750 दोगे? 700 रुपए दे रहे हो आया ना। 500 रुपए में तो जिंदगी में नहीं मिलेगी स्मार्ट वॉच। अभी गाइस सामने देख रहे हो एप्पल के लैपटॉप, मैकबुक एयर, टैब वगैरह कई सारी चीजें थी इनके पास। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। एप्पल की पीस है, एप्पल की पीस है, एयरबड्स प्रो,
मुझे तो पता चला यार आईफोन है ऑटोमेटिक कनेक्ट लगा एप्पल में जॉब करता हूँ जॉब करता हूँ एप्पल में ये देखो गाइस टाइप सी की एप्पल की डेटा केबल यहाँ से तो डेटा केबल भी मत ले लेना ये वही है चाइनीज टच वाली नहीं है अरे चाइनीज है रख दे टच वाली ये तो रही यार ये तो रही ये सारी टच है और क्या नहीं सारी टच है कितने की अंकल टच वाली गली 1500 ये इसकी आवाज नहीं सुना सकते ऐसे चार्जिंग डप हो गई इसकी अभी देखो दिखलाऊंगा दिखलाइए बेटा गाइज इनकी यही स्ट्रेटजी है ये चार्जिंग खत्म बताते हैं ताकि चीजें चेक ना करवानी पड़े कौन सा i12 हो भाई वही आईफोन वाला नहीं वो एक अलग पीसी सी आ रही है मैकबुक एयर फोन हो रहा है फोन आ रहा है भैया फोन करके दिखा सकते चेक में बोलते रहो करा दो भाई जान ये कोई कह रहा हूँ नहीं कराऊंगा चेक कराएगी नंबर बिना चेक करे को ले आओगे इसमें क्या है स्मार्ट वॉच ये एप्पल के डिब्बे में है 500 रुपए अभी गाइस साफ साफ दिख रही है चाइनीज है इसको भी ओरिजिनल बता रहा है हाँ भाई बोलो बोलो मेरे से बोलो ना चेक कर रहा हूँ भाई क्या चेक कर रहा हूँ मुझे बताओ मैं बताऊँ इसके कितने रैम है क्या है इसमें 2 GB रैम है चेक नहीं कर सकते अरे भाई मैं बता दो यार चेक कर ले कितनी रैम बताई तो कितनी बताई रैम कितनी है हाँ बता कितनी है कितनी बताई थी तुम तो बताओ कितनी है अरे इतने सालों में याद थोड़ी रखूँगा भाई मैं अभी तो बता रहा था 2 GB मुझे बता दो 250 MB रैम है भाई आ जाओ बताओ भाई बोलो अच्छा चलते हैं लैपटॉप की 2 GB रैम बता रहा है और सिर्फ 250 MB रैम है लैपटॉप में हाँ। मैंने स्पेसिफिकेशन चेक की है चेक करने नहीं दे रहा था ये क्या है कैमरा फोन चाहिए ये फोन भी का हुआ है कितने का है क्या बिल वगैरह है इसके नहीं नहीं वैसे तो फिर भी 3500 हो गई थोड़ा सस्ता दो बैठने नहीं दे रहे पुलिस वाले भगा रहे हैं गाइस अचानक पुलिस वाले आ गए थे इस टाइम और जो मुझे फोन दिखा रहा था ना उसको डंडे मारे थे पुलिस वाले आ गए क्या अभी गाइस जो चीज तुम ढूंढ रहे हो ना चोर बाजार में वो एक मोटर वाला पार्ट है मार्केट का जहाँ पे दिन में मोटर बिकती है इस टाइम उधर गाइस आपको मिलेंगे लैपटॉप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे मैकबुक प्रो DSLR एयरपोर्ट्स एप्पल के सच क्या है बताऊंगा अभी तुम्हें वीडियो में वैसे तो तुमने बहुत वीडियोस देखी होंगी चोर बाजार वगैरह की पर ये जो वीडियो है ना मैं तुम्हें फेक करके कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें रियल बताऊंगा सारी चीजें अभी ये जो लैपटॉप जो तुम्हें ऑन दिख रहे हैं ना ये लैपटॉप गाइज बिल्कुल कचरा कबाड़ है अभी ये बिल्कुल पता नहीं कैसे जैसे तैसे ऑन कर रखे है लैपटॉप उनपे थैलियां चढ़ा रखी है 5-10 रुपए की मैंने पूछा कितनी रैम है कह रहे 2 GB रैम है अभी गाइज आज की डेट में फोन में भी नहीं आती 2 GB रैम कुछ भी नहीं होता 2 GB रैम में तुम्हें लग रहा है कि मूवीज वगैरह देख लेंगे तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ 2 GB रैम नहीं थी मैंने चेक किया था 250 MB रैम दिखा रहा था बस 250 MB में तुम देख लो पॉसिबल कैसे हैं इन्होंने बस जुगाड़ करके ऑन कर रखे हैं ऑन हो रखे हैं लैपटॉप वही बहुत बड़ी बात है और जो लैपटॉप मैंने यूज करा ना स्टार्ट टास्क बार वगैरह इन्होंने सब डिसेबल कर रखा था जिससे रैम ना लगे अभी गाइस ये तो लैपटॉप की बात होगी जो कि ऑन थे अभी जो मैकबुक आईपैड वगैरह टैब वगैरह जो भी इस भाई के पास तुम्हें दिखेंगे ना ये भाई कैमरा DSLR वगैरह भी बेचता है इसने मुझे दिखाया नहीं क्योंकि ये मुझ पे थोड़ा शक कर रहा था इसके पास ना तुम्हें सारे स्विच ऑफ आइटम मिलेंगे तुम बोलोगे भाई मुझे ना ये ऑन करके चेक करवा के दिखा दे वो बोलेगा लेना है तुम क्या बोलोगे भाई पहले चेक करूंगा बोला चेक नहीं होगा अगर लेना है तो बोलो मैं चेक करवा के दूंगा अभी तुम इसको पैसे दे दोगे ना अगर कि भाई ले पैसे और मुझे ये वाला आईपैड चाहिए या फिर मैकबुक चाहिए तो तुम्हें बस ये ऑन करके दिखा के देख ठीक है बंद करके थैली में डाल के दे देंगे और बोलेंगे पुलिस वाले देख लेंगे निकल जा ऐसे करके तुम्हें भगा देंगे तुम ज्यादा बोलोगे पैसे वापस दे दे तो तुमसे लड़ाई करेंगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी यूनिटी होती है वहाँ पे इनकी DSLR वगैरह जो भी बेचते हैं ना ये कुछ नहीं होता कोई सा भी मॉडल देखने को मिल जाएगा तुम्हें अंदर इनका कुछ भी नहीं होता सिर्फ तुम्हें पता नहीं डिस्प्ले में व्यू फाइंडर में ऑन वगैरह करके दिखा देंगे और तुम्हें चेप देंगे अभी कई लोग वहाँ पे ऐसे आ रखे थे गाइज जो कि राजस्थान पंजाब काफी दूर दूर से आ रखे थे और बंदे भी ऐसे आ रखे थे जिनको इन चीजों की नॉलेज नहीं थी सिर्फ वीडियोज वगैरह देख के आ रखे
रहे थे, उन्होंने चेक भी नहीं किया। दुकान वाले के भरोसे दुकान वाले से बोले कि भाई तू बता दे कौन सा ठीक है और मुझे दे दे। और ये जो ईयरफोन वगैरह बेच रहे थे ना गाइज, ये सब नकली थी। जो गफार मार्केट में 300 रुपए की मिलती है ना, गफार मार्केट में एटलीस्ट तुम्हें बोल के देंगे कि भाई चाइनीज है, कॉपी है, 300 रुपए की है, ले लो। इधर एप्पल की बता के दे रहे हैं ओरिजिनल, वो भी 1200 से स्टार्टिंग कर रहे हैं देना। कोई जरूरत नहीं है भाई लेने की। और एक स्मार्ट वॉच, पता नहीं इनके यहाँ एक मॉडल था स्मार्ट वॉच का, चाइनीज मॉडल था और बहुत ज्यादा स्टॉक में था, सभी के पास था और भर रखे थे इतने सारे, उसके इतने ज्यादा रेट बता रहे 2000-2500 और ऐसे हजार रुपए में लोगों को चेप रहे थे, जो वॉच 300-400 रुपए की थी। गाइस पुलिस वाले चोर बाजार का रास्ता बंद रखते हैं, लोग ऐसे कूद कूद के आते हैं यहाँ पे, तो देख लो अगर जाना है तो ऐसे रिस्क पे जाना पड़ेगा साइडों में से। गाइस वहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है, पुलिस वाले आते हैं हर 10 मिनट में, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं ना इनको लाठियां मारते हैं हर 10 मिनट में, भगा देते हैं। पुलिस वाले हटाते रहते हैं, ये लगाते रहते हैं, साथ साथ भाई पब्लिक को भी पीट देते हैं पुलिस वाले। तो देख के जाना अगर जाओ तो, मैं तो रिकमेंड करूंगा नहीं कि जाओ, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें कुछ मिलने ही नहीं वाला, उल्टा तुम्हारे साथ ही लूट हो सकती है। क्योंकि एक जना गया था जिसको मैं जानता हूँ, उसका फोन निकल गया था, वो वीडियो देख के गया था गाइस यूट्यूब पे, और फोन चोरी हो गया अगले का। पिज्जा पे पिज्जा बनाऊंगा, मोमोस बनेगा, पिज्जा बनेगा, मीट बनेगा। और भाई इन परफ्यूम से भी बच के रहना, क्योंकि इनमें पानी मिक्स होता है जिसमें हल्की सी क्वांटिटी परफ्यूम की भी होती है, जो कि वहाँ पे 150 रुपए के 3 बिक रहे थे। ये मछली जिंदा कैसे है? मछली क्या पटाके रखनी पड़ती है? जिंदा रहेगी इसमें? मैं ना अभी चोर बाजार में खड़ा हूँ और मुझे अब्दुल्ला भाई मिले हैं, ये इस मार्केट में 1.5 साल से आ रहे हैं और यहीं पे रहते हैं पास में ही। तो मैंने इनसे पूछा कि जो आईफोन वगैरह दिखाते हैं वीडियोस वगैरह में, सच में मिलते हैं क्या चोरी के फोन वगैरह? तो भाई बताएंगे आपको। कई साल हमें भी यहाँ आते जैसे हो गए, लेकिन भाई हमें ऐसा कुछ यहाँ अभी तक लगा नहीं। अगर ऐसा कुछ हो तो भाई हम भी कोई आइटम ऐसा खरीदते, लेकिन हमें मिला नहीं अभी तक। ये सिर्फ अफवाह है, ऐसे ही लोग फेक बातें करते हैं, फेक वीडियोस बनाते हैं लोग, फेक वीडियोस बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भैया को 1.5 साल में अभी तक चोरी का कुछ सिस्टम दिखाई नहीं और ये लोग वीडियोस बना रहे हैं आईफोन वगैरह की, तो भाई झूठी है। सही चीजों को शेयर करा करो और गलत चीजों से बचा करो। और गाइज अब फाइनली बात करते हैं उन वीडियोस की जो यूट्यूब पे वायरल हो रखी है, जिन पे मिलियंस व्यूज आ रखे हैं। ये सब दिखाते हैं कि भाई आईफोन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और मतलब इस तरीके से दिखाएंगे तुम्हें कि भाई पता नहीं चोर बाजार में क्या ही मिल जाएगा, सिर्फ व्यूज पाने के लिए। वो क्या करते हैं, चोर बाजार तो जाते हैं, वीडियोस वगैरह शूट करते हैं वहाँ पे, घर पे आके या फिर पता नहीं खाली जगह जाके अपने ही बंदे को खड़ा करेंगे, मोबाइल वगैरह दिखाएंगे तुम्हें और कहेंगे भाई ये आईफोन है, ये इतने का, वो इतने का, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। कई सारे लोग खुश होकर देखते हैं उसको और चले भी जाते हैं, और वहाँ पे उनको कुछ मिलता नहीं। वो फेक वीडियोस बनाते हैं सिर्फ व्यूज लेने के लिए। गाइज अगर आपको फोन ही चाहिए ना, तो भाई गफार मार्केट जा सकते हो, काफी अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं सेकंड हैंड फोन, जिनके साथ बिल वगैरह सब मिल जाएगा आपको। 40,000 का फोन 5,000 में तो भाई कहीं मिलने ही नहीं वाला तुम्हें। वो चोर बाजार वाले बंदे अगर सच में बेचते हैं तो बेवकूफ नहीं है जो तुम्हें सिर्फ 1,000 रुपए में पकड़ा देंगे इतना महंगा फोन। गाइज वैसे तो मैंने चोर बाजार की वीडियो पहले भी बना रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और इस वीडियो के बाद काफी ज्यादा लोगों ने मुझे ये भी बोला कि भाई थैंक यू ये वीडियो बनाने के लिए, भाई आपकी वीडियो देखने के बाद ना हम लुटने से बच गए। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम लुट के आ गए, काश आपकी वीडियो पहले देख लेते। दो रीजन थे इस मार्केट में जाने के, एक तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जो फेक बन रही थी, दूसरा छोटू मुझे लेके गया था, ये कह रहा भाई फोन लेके आऊंगा, आईफोन लेके आऊंगा, भाई 2,000 रुपए लेके जाऊंगा। मैं बोला भाई कुछ नहीं मिलता वहां पे, कह रहा नहीं भाई वीडियो देखिए, ये वीडियो देख, वो वीडियो देख, यकीन ही नहीं किया इसने मेरी बात पे और मुझे लेके चला गया। मैं चल ठीक है, इस मार्केट को एक्सपोज ही करके आते हैं। तो ये है छोटू, ओ इधर इधर से आ, इधर से। अच्छा ये बता कुछ मिला मार्केट में? नहीं। बुरा भरोसा था ना तुझे फोन मिल जाएगा वहाँ पे? कैसे पता चला फोन मिलेगा वहाँ पे? मेरा वीडियो देख के नहीं बोला था। अच्छा मेरी बात पे भरोसा नहीं हुआ ना तेरे को, अब लेगा फोन? गाइज गलत चीज़ें तो पता नहीं बहुत वायरल हो जाती है, और अच्छी चीज़ें जो सच बताते हैं वो देखने से ना लोग थोड़ा पीछे हटते हैं। एक बात और, जो जो इस वीडियो को देख रहा है, जो चोर बाजार विजिट कर चुका, जो भी मेरी बात से रिलेट कर पा रहा है, कमेंट करके बताओ, या फिर किसी का नुकसान हुआ है वो भी कमेंट करके बताओ। मैं तुम्हारी कमेंट ना पिन करूंगा बढ़िया वाली, ताकि लोगों को पता चल सके इस मार्केट की असलियत। सो गाइज इस वीडियो को शेयर करो और लोगों का नुकसान बचाओ। सो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। Hit the pedal, hear the engine roar. No fear like a matador. Breaking trends and I'm making more. Going up, climbing ladders more. I can't be stopped.